नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मैं नए नए टिप्स, नए नई कुकिंग आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, नए नए डिश की बातें बताती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ विटामिन सी के कैसे बनाते हैं घर पे। और विटामिन सी के सभी जानते होंगे कि चेहरे के लिए तो कितना ज़्यादा फायदेमंद है विटामिन सी, जो हमारे चेहरे को बहुत ही अच्छा रखता है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि विटामिन सी हमारे चेहरे के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है और उसका हम यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं और किस तरह से बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोग सभी जानते हैं ना कि विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का सीरम बाजार में मिलता है वो, लेकिन 60-100, 70-100 के आसपास रहता है। तो जो मतलब मिडिल फैमिली के लोग हैं या हम जैसे लोग हैं भाई, हम लोग इतना ज़्यादा चेहरे को अच्छा रखने के लिए खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो उसका ये इलाज है कि मैं घर पे बनाना बताऊंगी और ये बहुत ही सस्ता बनता है। इसके लिए मैंने एक मतलब ये विटामिन सी की जो टैबलेट आती हैं वो कई तरह से होती हैं, मतलब मेरे पास जो थी वो मैंने आपको दिखा दिया, कई तरह से टैबलेट आती हैं। तो आप उस तरह की टैबलेट को लेके और ये सीरम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी हमारे चेहरे के लिए किस तरह से फायदेमंद है। तो विटामिन सी जो होती है वो स्किन के जो कोलेजन होता है उसको बढ़ने में मदद करती है, जिससे हमारी स्किन जो होती है ना वो चमकदार हमेशा बनी रहती है और त्वचा फिर से मतलब जीवित, जैसे होता नहीं वो सूखी सूखी सिकुड़ी वाली त्वचा, वो चीज़ खत्म हो जाती है और अच्छी सी त्वचा बिल्कुल बनी रहती है। और ये त्वचा को साफ करता है, ड्राई त्वचा को मतलब नमी देता है, और चिकनी त्वचा होती है जैसे जो सूखी सूखी त्वचा होती है उसको ख़त्म करता है और चिकना करता है। और आपकी जो त्वचा होगी ना वो पूरे दिन खिली खिली और अच्छी महसूस कराएगी। और जो हमारे चेहरे पे एज वाले होते नहीं हैं, एज की जो सिकुड़न सी महसूस होने लगती है वो एज लाइन को ख़त्म करती है। तो फिर अगर आप की एज 40 है तो 30 के आसपास दिखेगी, तो मतलब एज की जो है समस्या उसको ये ख़त्म करती है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्क्रब और काले दाग धब्बों को हटाने का काम करते हैं और आपकी जो सुंदरता है उसको बनाए रखेंगे, मतलब वो आपके चेहरे को जो आपकी नेचुरल त्वचा है उसको वो बनाए रखेगा और उसको ख़त्म नहीं होने देगा। और जैसे धूप है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो धूप की वजह से भी हमारे चेहरे मतलब ख़राब हो जाता है चेहरा, तो उसको भी वो ख़त्म करती है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो काम की है, कभी भी विटामिन सी की सीरम को लगाकर धूप में मत जाइए, हमेशा रात को लगाइए या फिर आप घर में लगाइए। और अगर बाय चांस आपने दिन में लगा रखा है और आपको बाहर जाना पड़ रहा है किसी भी कारण से, तो आप ज़रूर जो है क्या कहते हैं सनस्क्रीन लगा के जाइए, अन्यथा आपका चेहरा जितना अच्छा है ना उससे भी ज़्यादा काला हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ख़ास बात है और इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फ़ायदे की जगह नुकसान कर देगी। और जो विटामिन सी होती है वो स्किन में जो मेलानिन होता है उसको बढ़ाने में, हमारे अंदर में हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या होती है ना उसको ये रोक देती है। इससे क्या होता है कि जो है मतलब हमारी जो स्किन है उसका नेचुरल निखार हमेशा के लिए बना रहता है। और जो विटामिन सी होती है वो हमारे चेहरे में जो सूजन होती है, मतलब चेहरे पे कभी कभी ऐसे लगता है ना कि एकदम सूजा सूजा सा लगता है, उस चीज़ को ख़त्म करती है और हमारे चेहरे को बिल्कुल अच्छी सुंदरता बनाए रखती है। तो लेकिन आपको जो मैं सीरम बनाना बताऊंगी उसको आप कभी भी धूप में मत रखिएगा, जहाँ पे नमी हो वहाँ पे रखिए, डायरेक्ट सन कॉन्टेक्ट में नहीं रखना चाहिए इसको, क्योंकि ये नुकसान दे सकती है आपको। और क्योंकि ये खुद ही काली हो जाएगी तो फिर आप लगा नहीं पाओगे और ये ख़राब हो जाएगी। तो कभी भी आप धूप में मत रखिएगा और खुद भी धूप में लगा के मत जाइएगा। इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ जैसे कि जो फ़ायदा होना है वो नुकसान में कभी भी ना बदले। कोशिश कीजिए आप रात को सोते टाइम लगाइए, जैसे आपको बाहर बिल्कुल भी ना जाना पड़े और आपको बिल्कुल धूप ना लगे, आपके चेहरे पे धूप ना आए, तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। और दूसरी बात, कोई भी चीज़ हो वो रात को आप लगा के अगर सोएंगे तो उस टाइम पे जो हमारी स्किन होती है ना वो भी आराम कर रही होती है हमारे साथ साथ, तो उसमें ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है। तो आप लोग इसको रात को ही लगाइएगा, और अगर बाय चांस दिन में लगाते हैं तो जैसा कि मैंने कहा आप लोग ज़रूर मतलब सनस्क्रीन लगा के बाहर जाइए, जैसे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। और ये है जैसे कि ये विटामिन सी वाली टैबलेट मैंने दिखाई, उसको मैंने
एक चम्मच रोज वाटर में घोल लिया था। ये देखिए, ये कम से कम मैंने रखा है 15 से 20 मिनट, तो देखिए बिल्कुल इस तरह से घुल गया है। आप भी विटामिन सी की टैबलेट को किसी भी चीज़ से कूट के उसमें एक चम्मच रोज वाटर डाल के इस तरह से चला चला के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए 15 से 20 मिनट तक, तो फिर वो बिल्कुल घुल के इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गया है, इस तरह से बन जाएगा। और इस तरह से मैंने ये एक चम्मच एलोवेरा लिया है, इसको मैं इसमें डाल के और इस तरह से अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए मैं अच्छी तरह से एकदम मिक्स कर रही हूँ, एकदम अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलोवेरा जो होता है वो हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये हमारे चेहरे को एकदम अच्छा निखार के रखता है। इसके अंदर के जो दाग धब्बे होते हैं ना फेस के, वो मिट जाते हैं, तो इसलिए एलोवेरा इसमें ज़रूर डालें। और इसको ही सेफ रखने के लिए, मतलब जो ये विटामिन सी सीरम होता है तो वो आपको अगर 10 से 15 दिन के लिए रखना है तो उसमें विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर डालें, जो कि इसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये देखिए, अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल नहीं डालेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और आपको तुरंत यूज़ करना पड़ेगा, फिर ये ख़राब हो जाएगा। जो विटामिन ई की क्वालिटी होती है, ये वाला कैप्सूल विटामिन ई का, इसको ज़रूर डालिएगा। अगर ये विटामिन ई की क्या क्वालिटी होती है कि ये किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के काम में आता है। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसमें अगर विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे तो फिर वो बहुत टाइम तक आप उसको रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। 10 से 12 दिन तक के लिए आप रख लीजिएगा, फिर इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर आप इसको रख मतलब फिर से बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा तो है नहीं। ऐसे ही 70-75 रुपए की ये टैबलेट आती है, कम से कम इसमें 12 से 15 टैबलेट होती है। और ये मैंने विटामिन ई का कैप्सूल काट लिया है, इसमें का जो ये ऑयल है वो इसमें मिला देते हैं, ये देखिए अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद में इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, खूब इसको काफ़ी चला के मिक्स करना है जैसे कि एकदम अच्छे से बन जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छा बन गया है ठीक। और याद रखिएगा, इसको कांच के ही बर्तन में रखिएगा, कांच के बर्तन में ये ज़्यादा फायदा करती है। और जब भी आपको लगाना हो अपने चेहरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैं अपने हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, और ये देखिए हाथ पे कैसा आपको महसूस हो रहा है। मैं चेहरे पे भी आपको लगा के दिखा सकती हूँ, ये देखिए हल्का हल्का सही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है आपके। मैं अभी इसको भर के रख लूँगी कांच की शीशी में। आप कांच की ही जैसे क्रीम की शीशी है या बच्चों की दवाई का ड्रॉप है उसको धुल के रख लीजिए, या मतलब कोई पहले आपने विटामिन सी का सीरम खरीदा हो वो वाली शीशी हो तो उसमें रखिए, बस रखिए कांच में। कोई भी ऐसे शीशी में मत रखिए कि वो प्लास्टिक की हो, मतलब वो नुकसानदेह होता है इसके लिए, रिएक्शन होता। और एलोवेरा हमेशा इसमें खरीदा वाला ही डालें, घर का बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जो घर का हमारे घर में पेड़ होता है एलोवेरा का, उसमें क्या होता है कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो फिर पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये सीरम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग खरीदा एलोवेरा ही डालें, जिस भी कंपनी का हो, जो भी हो आपके पास, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने किसका यूज़ किया है वो मैं नहीं बता सकती किस कंपनी का है, बस मैंने एलोवेरा डाला है वो रेडीमेड वाला है, क्योंकि मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने बताया दिखा दिया था कि किसका है, कंपनी का कैसे, मतलब मुझे कंपनी की एडवर्टाइज नहीं करनी थी, पर मैंने डाला था तो दिखा दिया था। तो उससे क्या होता है कि कई सारे कमेंट्स मेरे पास ये आए कि आप इस कंपनी की एडवर्टाइज कर रहे हो, तो मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, बस मैंने आपको ये दिखा दिया कि एक चम्मच एलोवेरा डाला है, और आप लोग भी ज़रूर डालिएगा और खरीदा वाला ही डालिएगा, बाहर का घर के अंदर का बिल्कुल मत डालिएगा पेड़ वाला, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा, मतलब वो ख़राब हो जाएगा, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि विटामिन सी जो टैबलेट है उसको आप कूट के जब डालेंगे उसमें एक चम्मच गुलाब जल डालना है, और उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए रखना है। मैंने 15 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए रखा था। रखने से क्या होता है कि वो उसमें घुल जाती है, और घुलने के बाद में वो एक अच्छी सी मतलब लिक्विड जैसा तैयार हो जाता है। फिर आप उसमें जब सब चीज़ें ऐड करते हैं तो बहुत अच्छे से बन जाता है। आप देखिए विटामिन
सी वाला ये सीरम लगा के मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल ग्लोइंग सा लग रहा है। और इसको थोड़ी देर बाद जब मैं धुलूंगी तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जैसे कि नए नए टिप्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।